हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि आपको शब्द से ही या वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि आज का हमारा क्या टॉपिक है, आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। तो जैसे हमें पता लग रहा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें हमारा फर्स्ट वर्ड है प्रोबेबिलिटी एंड सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी, मतलब किसी भी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी और किसी भी इवेंट के ना होने की पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी कभी भी, जैसे कि आप सभी को पता है, पॉसिबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। या तो वो होने की पॉसिबिलिटी होगी या वो ना होने की पॉसिबिलिटी होगी। एंड सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है डिवाइड कर देना, मीन्स डिस्ट्रीब्यूट कर देना। एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हमें क्या समझ में आया कि प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को क्लियर करना होगा। अगर हम इस टर्म्स को क्लियर नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको सम को सोल्व करने के लिए भी डिफ़िकल्टी आए। तो हमारा फर्स्ट टर्म है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज अ कंसेप्ट विच न्यूमेरिकली मेजर्स द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी एंड देयर फॉर सर्टेनिटी ऑफ द ऑक्यूरेंस ऑफ इवेंट। जैसे कि इस डेफिनेशन का कंक्लूजन क्या मिलता है हमें, कि कुछ चीज़ें या कुछ इवेंट्स जो अनसर्टेनली हो, अनसर्टेनली का मतलब होता है कि जो फिक्स ना हो, निश्चय ना हो। तो जो अनसर्टेनली टर्म्स हो जाती हैं, इवेंट्स ओक्यूर हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं इसके होने की पॉसिबिलिटी या ना होने की पॉसिबिलिटी। हमारे पास यहाँ दो टर्म्स, दो डेफिनेशंस हैं। जो आपको सुटेबल लगे आप उसको अपने डिग्री में, अपने एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं, इजीली एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए। प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डील्स विद द ऑक्यूरेंस ऑफ अ रैंडम इवेंट। इस सेकेंड डेफिनेशन से आपको प्रोबेबिलिटी का मीनिंग और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी। ये देखो, जैसे इसने यहाँ लिख दिया कि प्रोबेबिलिटी का मीन्स होता है पॉसिबिलिटी। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ब्रांच या एक टर्म है मैथमेटिक्स में, दैट डील्स विद द ऑक्यूरेंस ऑफ द रैंडम इवेंट। रैंडमली इवेंट मतलब वही अनसर्टेन इवेंट, मतलब जो अचानक से हो जाए, रैंडमली हो जाए, मतलब सडनली हो जाए। द वैल्यू इज एक्सप्रेस फ्रॉम 0 to 1। ये एक इसके अंदर मेन पॉइंट है कि जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, उसकी वैल्यू सिर्फ हम 0 to 1 तक ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। ना तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से कम होगी और ना ही इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकती है। हाँ, इसकी वैल्यू पॉइंट्स में आ सकती है, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इन मैथ्स टू प्रिडिक्ट हाउ लाइकली इवेंट्स आर टू हैपन। इससे हम बस ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी, उसकी परसेंटेज कितनी है या उसके ना होने की परसेंटेज कितनी होगी। प्रोबेबिलिटी को और अच्छे से समझने के लिए हम इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम रेन ले सकते हैं। जैसे एक पर्सन है ए एंड सेकेंड पर्सन है बी। अगर ए ये कह रहा है कि रेन होने की पॉसिबिलिटी है, यस, और बी के अकॉर्डिंग रेन होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पॉसिबिलिटीज़ हैं कि रेन होने की भी पॉसिबिलिटी है और रेन ना होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन है तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ ना, और नेगेटिव भी नहीं है। तो इससे एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इससे जुड़ी हुई नेक्स्ट वीडियो के लिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ी हुई नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें।